स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीत मील, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सुमीरपुर। स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी बीए सेकेंड ईयर के जो ह्यूमन ज्योग्राफी उसके सिलेबस के बारे में चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज मैं आपको जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पेपर है उस पेपर की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँगा। जो हमारे सामने स्क्रीन पर जो पेपर ओपन हो रहा है वो पेपर आपके पिछले ईयर्स का जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी का बीए सेकंड ईयर ह्यूमन ज्योग्राफी का पेपर है। ये हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जो प्रत्येक थ्योरी का पेपर होता है वो तीन पोर्शन में डिवाइड होता है। ए, छोटे छोटे आंसर वाले 10 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द में या अधिकतम एक लाइन के अंदर आपको देना पड़ता है। 20 से 30 शब्दों से अधिक इसका उत्तर नहीं होना चाहिए। फिर पार्ट बी है, बी में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। इस प्रकार पार्ट बी आपके टोटल 35 नंबर का होता है। यदि हम पार्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो पार्ट बी सबसे बड़ा होता है, पार्ट ए 10 नंबर का और पार्ट बी होता है 35 नंबर का। पार्ट बी में जो आपके 5 प्रश्न होते हैं उनकी जो लिमिटेशंस होती है लगभग 50 वर्ड की होती है। लगभग का मतलब है कुछ वर्ड कम भी हो सकते हैं तो कुछ वर्ड उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि 50 की जगह आप 20 वर्ड में ही काम चला लें या 50 की जगह आप 4 पेज भर दें। बहुत बार देखने में आया है कि जब स्टूडेंट्स होते हैं वो ये ध्यान नहीं रखते हैं कि कितना टाइमिंग है और हमें किस प्रकार से पेपर अटेम्प्ट करना है। वो ये जो सेकंड पोर्शन होता है उसका उत्तर भी इस प्रकार से देते हैं जिस प्रकार से आप एक निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर दे रहे हो या पार्ट थर्ड का उत्तर दे रहे हो। इसलिए आप प्रश्न का उत्तर करते टाइम टाइमिंग का और साथ साथ में उस प्रश्न के लिए कितना वर्ड का पूछा गया है उसका विशेष तौर से ध्यान रखें। पार्ट थर्ड होता है उसमें आपको 3% अटेम्प्ट करने होते हैं, इसके अंदर और होता है अथवा आता है आपके पास में। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं दोनों एक साथ कर देते हैं, ध्यान नहीं रखते कि अथवा क्या है। जब प्रश्न अथवा होता है तो आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि दो में से आपको एक ही सवाल करना है। तो प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होता है, लगभग 4 से 5 पेज में इसका उत्तर होना चाहिए, या मैं दूसरे शब्दों को मैं तो कम से कम 500 वर्ड के लगभग इसका उत्तर होना चाहिए। और ये टोटल 30 नंबर का होता है। इस प्रकार पार्ट ए 10 नंबर, 10 नंबर, पार्ट बी 35 नंबर 35 नंबर का और पार्ट सी 30 नंबर 30 नंबर का होता है। इस प्रकार से आपका टोटल थ्योरी का जो फर्स्ट पेपर है वो 75 मार्क्स का होता है। अब देखिए भाग ए के सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानी भाग ए के अंदर जो वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स होंगे उसमें आपके कोई अथवा नहीं होगा, आपको 10% दिए होंगे, 10 में से 10 आपको करने हैं और प्रत्येक शब्द 30 शब्दों तक सीमित, 30 शब्द मतलब अधिकतम है आपकी लिमिटेशन, 30 शब्दों से ज्यादा आपका उत्तर नहीं होना चाहिए और प्रश्न का उत्तर अंक एक है। पार्ट बी, प्रत्येक इकाई में एक प्रश्न का चयन करते हुए 5% का उत्तर दीजिए। पार्ट बी में आपके अथवा होता है, यानी 5 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न होते हैं, इकाई फर्स्ट में से 2, इकाई सेकंड में से 2, इकाई थर्ड में से 2, इकाई फोर्थ में से 2 और इकाई फिफ्थ में से 2। इन 5ों इकाइयों में से 2-2 प्रश्न होते हैं लेकिन आपको करना एक ही होता है। प्रश्न नंबर 2 में इकाई 1 में से आएगा और 2 होंगे उसमें से आपको एक करना है, तो प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न दिए होंगे, उन 2 प्रश्नों में से आपको 1 प्रश्न करना है। इस प्रकार से पार्ट बी में 10 प्रश्न होंगे उसमें से आपको 5 करने हैं। 2 नंबर प्रश्न 2 होंगे क्वेश्चन, 1 करना है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी 2 क्वेश्चन दिए होंगे उसमें से आपको 1 करना है। 4 नंबर में भी आपके 2 क्वेश्चन दिए होंगे उसमें से आपको 1 करना है। 5 नंबर में भी 2 क्वेश्चन दिए होंगे उसमें से आपको 1 करना है। 6 में भी 2 दिए होंगे उसमें से आपको 1 करना है। ध्यान रखिए विशेष तौर से आप अथवा में से केवल एक ही सवाल करेंगे। पार्ट सी, इस भाग में कुल 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्द का, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है, इसमें भी आपके पास में अथवा है। तो पार्ट ए को छोड़ करके सभी प्रश्न पार्ट बी और सी में आपके पास में अथवा है,
तो आप अथवा का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अब देखिए पार्ट ए में से, काश मास पुस्तक के रचयिता, यानी आपको केवल नाम लिखना है कि काश मास पुस्तक है वो किसने लिखी थी, बस ये केवल दो वर्ड का उत्तर हो रहा है, लेकिन दो वर्ड का उत्तर आपका सफिशियंट है, आपको इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। किसने लिखी, काश मास में क्या है, इसमें क्या दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। स्पष्ट रूप से पूछा किसने लिखी, आपको केवल उसके राइटर का नाम लिखना। नवनिश्चयवाद, नवनिश्चयवाद की एक परिभाषा है, डेफिनेशन है, आप सीधे सीधे नवनिश्चयवाद की डेफिनेशन लिखिए और आगे बढ़िए। हार्फून, हार्फून क्या है, क्या काम आता है, कौन इनको काम, कौन से आदिवासी ट्राइब्स इसको काम में लेते रहे, क्या काम आता है, सफिशियंट है। पिग्मी जनजाति, पिग्मी जनजाति कहाँ रहती है, कौन सा स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पिग्मी जनजाति रहती है, आप उसका नाम लिखिए और आपको उत्तर सफिशियंट हो जाएगा। मंगोलियाड प्रजाति, मंगोलियाड प्रजाति कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, उसकी क्या विशेषता होती है, ये इसमें लिखना है। जनाभाव, यानी जो पॉपुलेशन किसी स्थान पर, अंडर पॉपुलेशन जो शब्द यूज किया गया है उसकी क्या डेफिनेशन है, अंडर पॉपुलेशन किसको कहेंगे। ग्रामीण अधिवास, सेटल रूरल सेटलमेंट की क्या विशेषता होती है, हम दो प्रकार के सेटलमेंट्स पढ़ते हैं, अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट, किस कारण से किसको रूरल सेटलमेंट कहा गया है, किसको अर्बन सेटलमेंट कहा गया है, इसके बारे में बताएंगे। ग्रामीण नगर, हमने नगर तो पढ़े हैं लेकिन हमारे दिमाग में हमेशा ये चीज रहती है कि नगर तो शहर में होते, लेकिन अब ग्रामीणों में भी नगर होने लग गए, जिसको रूर्बन कहा गया, अर्बन ना कह के रूर्बन कहा गया है, इसकी परिभाषा आपको देखना है। मेगालोपोलिस, कितनी पॉपुलेशन होने पर किसी शहर को मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, आपको पॉपुलेशन बताइए। और अमलैंड, नगर प्रभाव क्षेत्र किसको कहते हैं, किसने दिया था अमलैंड शब्द और क्या होता है नगर प्रभाव क्षेत्र, ये आपको बताना है। इस प्रकार से आपका ये जो पार्ट ए है वो एक लाइन या अधिकतम दो लाइनों से अधिक नहीं है। फिर आपके पार्ट बी है, पार्ट बी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि उसके अंदर 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न में अथवा होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर एक दे रखा है, नियतिवाद को समझाइए, और इसी के पार्ट बी दे रखा है, संभववाद की व्याख्या कीजिए। अब आपको नियतिवाद और संभववाद में से एक ही प्रश्न अटेम्प्ट करना है, दोनों नहीं करना। प्रश्न दो है, मानव जीवन पर मानसूनी जलवायु के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, जो प्राकृतिक एडोप्शन का जो सिद्धांत है, किस प्रकार मानव ने विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरण है उसके अंदर अपने आप को ढाल लिया है, उसमें मानसूनी जलवायु वाले जो प्रदेश हैं जैसे कि हमारा प्रदेश, वहां पर किस प्रकार से मानव ने मानसून जलवायु के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया, ये इसके बारे में पूरा बताना है। या फिर शीतोष्ण घास में निवासी जनजातियों के सामाजिक आर्थिक जीवन की व्याख्या कीजिए, जो विभिन्न प्रकार के घास के मैदान है, परीज, पंपाज, स्टेपीज, वेल्स, डाउन्स, ये जो घास के मैदान है, इन घास के मैदानों में जो जनजातियां पाई जाती हैं, उन जनजातियों के सामाजिक आर्थिक जीवन की विशेषता आपको यहाँ पर बतानी है। साथ में सामाजिक आर्थिक जीवन, उनके रीति रिवाज, भोजन के लिए वो क्या करते हैं, किस प्रकार का व्यापार प्रथा वहां पर प्रचलित है, इस बारे में वहां पर आपको बताना है। तीन है, हेडन द्वारा प्रजाति के वर्गीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या है, हमने प्रजाति का वर्गीकरण पढ़ा था, वर्गीकरण में आपको तीन विभिन्न प्रकार के भूगोलविदों के द्वारा जो वर्गीकरण का आधार दिया गया है, वो वर्गीकरण का आधार आपको सिलेबस में है, उसमें से हेडन ने जो वर्गीकरण का आधार दिया, क्या आधार दिया और उसके अकॉर्डिंग हेडन ने किस प्रकार से विश्व की विभिन्न प्रजातियों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है वो आपको बताना है, और उन जनजातियों की विशेषता क्या है। या फिर क्रोबर द्वारा जनजाति के वर्गीकरण की मुख्य विशेषताएं, या तो आप हेडन का बताइए या क्रोबर का बताइए, क्रोबर ने वर्गीकरण का क्या आधार दिया, उसके आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की जनजातियों किस प्रकार से डिवाइड किया गया और उनकी क्या विशेषता है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न आप एक टेबल बना करके करें तो नंबर आने की संभावना बहुत अच्छी होती है। आप टेबल में तीन पॉइंट रखिए, पहले वर्गीकरण का आधार बता दीजिए, उसके बाद में क्या आधार लिए और उसके आधार पर कौन सी जनजाति को डिवाइड किया गया, और तीसरे कॉलम में आपकी विशेषता आ जाएगी। भारत में शहरी आदिवासियों के प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए, चार नंबर ने पूछा जो अर्बन सेटलमेंट होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है वो बताने आपको, या भारत के विशेष संदर्भ में घरों के विभिन्न प्रकारों के, या फिर भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो आवास बनाए जाते हैं
उन आवासों की विशेषताएं, उनके बनाने के कारण, उनमें विभिन्नता का कारण, उनमें कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5 में नगरीकरण के कारणों के बारे में, यानी किसी स्थान पर जो शहरों की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार एक छोटा सा क्षेत्र एक बड़े शहर में तब्दील हो जाता है, उसके क्या कारण है, उन कारणों की व्याख्या आपको प्रश्न नंबर 5 में करनी है, या फिर गंदी बस्तियों की समस्याओं को समझाएंगे। जो शहरों की सबसे बड़ी विशेषता है गंदी बस्तियां, उन गंदी बस्तियों को उत्पत्ति के क्या कारण है, उनकी क्या विशेषता होती है, सरकारें कौन कौन सी योजनाएं उनके गंदी बस्तियों को समाप्त करने के लिए चला रही हैं, उनके बारे में आपको इसके भाग ब में बताना है। आपको या तो ए करना है भाग या ब करना है। फिर है आपके भाग स, भाग स में या भाग सेक्शन सी में आपके 5 प्रश्न दिए होते हैं, 5 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न करने हैं। कभी कभी कोई पेपर सेटर ऐसा भी होता है जो 6 क्वेश्चन इसके अंदर दे देता है, लेकिन सामान्यतः प्रत्येक इकाई में से एक बड़ा प्रश्न दिया जाता है और आपके पास में ऑप्शन रहता है कि 5 प्रश्नों में से आप उन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर इसमें से दीजिए, जो कि एक निबंधात्मक प्रश्न है, कम से कम 500 शब्दों में इसका उत्तर होना चाहिए। 500 शब्दों का सामान्य रूप से अर्थ ले तो कम से कम 5 पेज में आपका इसका उत्तर होना चाहिए। जहां भी कहीं नक्शे की पॉसिबिलिटी हुआ नक्शा बनाइए, चित्र की पॉसिबिलिटी हुआ चित्र अवश्य बनाइए। निबंधात्मक प्रश्न के अंदर जहां तक हो सके आप पॉइंट टू पॉइंट उत्तर दीजिए, एक निबंध की तरह उत्तर ना दे करके पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर इसके अंदर आएंगे। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त परिभाषा देते हुए मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र की विवेचना कीजिए, यानी मानव भूगोल के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन किया जाना चाहिए उसके बारे में प्रश्न 1 नंबर के मानव भूगोल का जो विशेष क्षेत्र है उसके बारे में पूछा है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के विशेष संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों पर जल स्रोतों की भूमिका पर प्रकाश डालिए, यानी भारत के संदर्भ में बताना है कि जो जल स्रोत है, ये आप देख रहे हो कि हमारी आदिम जनजातियां हैं, आदिम जो सभ्यताएं हैं उस सब की सब नदियों के किनारे पर बसी, क्योंकि जल स्रोत आवश्यक था। किस प्रकार से भारतीय सभ्यता और संस्कृतियों को विभिन्न प्रकार के जो पानी की उपलब्धता है या विभिन्न प्रकार के जल स्रोत उन्होंने प्रभावित किया है और किस प्रकार से प्रभावित किया है उसके बारे में बताना है। प्रश्न 3 है, उपयुक्त मानचित्र की सहायता से विश्व में जनसंख्या वृद्धि की वृत्त विवेचना कीजिए, यानी एक मानचित्र आपको बनाना है, इसमें तो आपको दिया गया इसलिए आपको मानचित्र का निर्माण करना है, यदि मानचित्र का निर्माण नहीं करेंगे तो आपको पूरे उत्तर नहीं मिलेंगे। विश्व के अलग अलग भागों में जो जनसंख्या वृद्धि की जो दशा व दिशा है उसके बारे में आपको मानचित्र की सहायता से आपको बताना है कि किस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज्यादा है, किस क्षेत्र के अंदर बहुत कम है, किस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न 4 है, मानव अधिवास में नियोजन की भूमिका पर प्रकाश डालिए, प्रश्न 4 के अंदर जो मानव के जो अधिवास है, ह्यूमन सेटलमेंट है, उसमें प्लानिंग का क्या प्रभाव पड़ रहा है वो बताना है। देखिए पहले तो हम पुराने समय में तो बिना प्लानिंग के ही आवास का निर्माण कर लेते थे, धीरे धीरे जैसे आवासों में समस्या बढ़ने लगी तो नियोजन का महत्व बढ़ने लगा, और वर्तमान समय में क्या है कि जितने भी शहरों का डेवलपमेंट हो रहा है, आप एक सिंगल मकान बना रहे हैं उसका भी नक्शा बनवाते हैं, तो शहरों का भी सरकार जो डेवलपमेंट करती है, नए शहर बसाती है, पुराने शहर का नियोजन करती है, वो सब प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो प्लानिंग का विचार कब आया, किसने दिया, प्लानिंग का क्या महत्व है, ये सारा का सारा प्रश्न नंबर 4 में आपको विस्तृत रूप से बताना है। और प्रश्न 5 में विश्व के प्रमुख नगरीय समूह का वर्णन कीजिए, विश्व के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के नगरीय समूह पाए जाते हैं, यानी जहां कई नगर एक साथ मिलकर एक समूह बना लेते हैं, तो उन समूहों की विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। इस प्रकार से आपका जो चैप्टर फर्स्ट है, सॉरी जो पेपर फर्स्ट है BA सेकेंड ईयर का ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने चर्चा की है। धन्यवाद।